JMAIN 2023, Unit 18, Atom and Nuclei. JMAIN 2023 दो सेशन में हुए और टोटल 24 एग्जाम्स हुए, और यूनिट 18 एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे टोटल 44 क्वेश्चंस पूछे गए। ये दो सेशन कौन कौन थे एग्जाम के? सेशन वन, सेशन टू। सेशन वन जनवरी में 6 दिन तक हुए, अप्रैल सेशन 7 दिन तक हुए। जनवरी में टोटल 12 एग्जाम्स हुए, अप्रैल में भी टोटल 12 एग्जाम्स हुए, तो 12 प्लस 12 24। जनवरी सेशन, अप्रैल सेशन, ये दो सेशन 44 क्वेश्चंस पूछे गए। तो 22 क्वेश्चंस जनवरी सेशन में और 22 क्वेश्चंस अप्रैल सेशन में, 22 प्लस 22 44। देखा जाए जो कैसे कैसे क्वेश्चन थे एग्जाम वाइज, 24th मॉर्निंग और इवनिंग दो दो क्वेश्चन, 25th मॉर्निंग इवनिंग दो दो क्वेश्चन, 29th मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग में दो इवनिंग में एक, 30 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग वन इवनिंग टू, 31 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग दो दो, और 1 फरवरी मॉर्निंग इवनिंग दो दो। तो अगर स्कोर करें देखें तो हर एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसे 12x12 कर सकते हैं, 12x12। और दो एग्जाम में एक एक, बाकी सब एग्जाम में दो दो। अप्रैल की बात करें, 6 के मॉर्निंग और इवनिंग दो क्वेश्चन, मॉर्निंग में इवनिंग में एक क्वेश्चन, 8 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग दो दो क्वेश्चन, 10th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग में एक इवनिंग में दो, 11th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग दो दो क्वेश्चन, 12th के मॉर्निंग में दो क्वेश्चन, 13th के मॉर्निंग इवनिंग दो दो क्वेश्चन, 15th के मॉर्निंग में दो क्वेश्चन। तो यहां भी देखें जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। और दो एग्जाम में एक एक और बाकी सब एग्जाम में दो दो, जनवरी के तरह से ही। तो टोटल अगर स्कोर करें तो 24x24 हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट नंबर 18 एटम एंड न्यूक्लियाई से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये हम लोग यूनिट वाइज एग्जाम को देखें, एग्जाम में कैसे कैसे इस यूनिट से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। आइए अब हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं इस यूनिट में एटम एंड न्यूक्लियाई में कितने चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए तो ये हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, 6 चैप्टर में डिवाइडेड है एटम एंड न्यूक्लियाई। पहला हम लोग लेते हैं रदरफोर्ड्स थ्योरी, दूसरा बोर्स थ्योरी, तीसरा एक्सरेज, चौथा न्यूक्लियस, पांचवा न्यूक्लियर रिएक्शन, छठा रेडियो एक्टिविटी। तो ये 6 चैप्टर्स हैं। अब देखिए सेशन वाइज टोटल क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं, टोटल क्वेश्चन 0। बोर्स थ्योरी से जनवरी सेशन में 9, अप्रैल सेशन में 12, टोटल 21 क्वेश्चंस। एक्सरेज एक भी क्वेश्चन नहीं। न्यूक्लियस जनवरी सेशन में 6, अप्रैल सेशन में 3, टोटल 9 क्वेश्चंस। न्यूक्लियर रिएक्शन जनवरी सेशन में 1, अप्रैल सेशन में 1, टोटल 2। रेडियो एक्टिविटी जनवरी सेशन में 6,
अप्रैल सेशन में 6 टोटल 12, तो जनवरी सेशन का टोटल 22, अप्रैल सेशन का टोटल 22, टोटल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 18 एटॉम एंड न्यूक्लियाई से 44। तो ये हम लोग देखे चैप्टर वाइज, चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन था। अब हम लोग इस सब चैप्टर को देखते हैं जो एग्जाम में कैसे पूछा गया, चैप्टर वाइज एग्जाम को देख लेते हैं। चैप्टर वाइज एग्जाम आइए, ये चैप्टर टू है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी इससे टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21। इस 21 में 9 जनवरी में और 12 अप्रैल में। देखा जाए जनवरी में सेकेंड एग्जाम हुआ था 24 जनवरी के इवनिंग में एक क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम और चौथा एग्जाम 25 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग एक एक क्वेश्चन, सातवां एग्जाम 30 जनवरी के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन, नौवां एग्जाम और दसवां एग्जाम 31 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग एक क्वेश्चन मॉर्निंग में, दो क्वेश्चन इवनिंग में, 11th एग्जाम और 12th एग्जाम एक एक क्वेश्चन, 1 फरवरी के मॉर्निंग इवनिंग, टोटल 9 क्वेश्चन। अप्रैल सेशन देखते हैं, 13वां एग्जाम और 14वां एग्जाम जो 6 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग में दो दो क्वेश्चन, 16वां एग्जाम 8 अप्रैल के इवनिंग में एक क्वेश्चन, 17वां एग्जाम और 18वां एग्जाम जो 10th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग में एक एक क्वेश्चन, 19वां एग्जाम और 20वां एग्जाम 11th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग एक एक क्वेश्चन, 21वां एग्जाम 12th अप्रैल के मॉर्निंग एक क्वेश्चन, 22वां एग्जाम 13th अप्रैल के मॉर्निंग एक क्वेश्चन, और 24th एग्जाम लास्ट एग्जाम जो 15th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ एक क्वेश्चन, टोटल 12, 9 प्लस 12 21। अगर स्कोर करें तो देखेंगे जनवरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एग्जाम में, और 10 एग्जाम में अप्रैल में, तो टोटल 18 एग्जाम्स, 18 बाय 24, 24 एग्जाम में से 18 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बोर्स थ्योरी से। तो ये हम लोग के पास डाटा है इस चैप्टर का, बोर्स थ्योरी का। निकुलियस देखा जाए, फोर्थ चैप्टर निकुलियस, निकुलियस से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन जनवरी में और 3 क्वेश्चंस अप्रैल में। ये 6 क्वेश्चन कैसे कैसे थे, पहला एग्जाम जो हुआ 24 जनवरी के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन, तीसरा चौथा एग्जाम 25 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग एक एक क्वेश्चन, आठवां एग्जाम 30 जनवरी के इवनिंग में एक क्वेश्चन, और 11वां 12वां एग्जाम जो 1 फरवरी के मॉर्निंग इवनिंग में एक एक क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए जनवरी सेशन में। अप्रैल में आते हैं, 15वां एग्जाम 18th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ दो क्वेश्चन, और 23वां एग्जाम जो 13th अप्रैल के इवनिंग में हुआ एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चंस। तो अप्रैल में दो एग्जाम में, 12 एग्जाम में से दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, और जनवरी में 6 एग्जाम में पूछा, तो 6 2 8, तो 8 एग्जाम में, 24 एग्जाम में से 8 एग्जाम में निकुलियस से क्वेश्चन पूछा था। तो हमारे पास डाटा हुआ, अब हम लोग निकुलियर रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन ये चैप्टर नंबर 5 है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे दो क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन जनवरी सेशन में, एक अप्रैल सेशन में, दूसरा एग्जाम
जो 24 जनवरी के इवनिंग में हुआ उसमें पूछा गया था, और 22वां एग्जाम जो अप्रैल 13th अप्रैल का हुआ उसमें एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन हुए। तो जनवरी सेशन में 12 एग्जाम में से एक एग्जाम, अप्रैल में 12 एग्जाम में से एक एग्जाम, टोटल दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। 2/24 ये स्कोर हुआ इस चैप्टर का इस साल के लिए। और ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है जो हम लोग देख रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सिक्स्थ नंबर चैप्टर, यूनिट 18 एटम और न्यूक्लियाई का रेडियो एक्टिविटी है। इससे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए 6 जनवरी में और 6 अप्रैल में। जनवरी में देखा गया, पहला एग्जाम हुआ 24 जनवरी के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन, पांचवा एग्जाम और छठा एग्जाम 29 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग में, तो मॉर्निंग में दो इवनिंग में एक, एट्थ एग्जाम 30 जनवरी के इवनिंग में एक क्वेश्चन, नाइन्थ एग्जाम 31 जनवरी के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हो गए जनवरी में 5 एग्जाम में। और अप्रैल की बात करते हैं, 16वां एग्जाम 18th अप्रैल के इवनिंग में हुआ एक क्वेश्चन, 17वां और 18वां एग्जाम 10th अप्रैल के मॉर्निंग और इवनिंग में एक एक क्वेश्चन, 19वां एग्जाम 11th अप्रैल के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन, 21वां एग्जाम 12th अप्रैल के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन, और 24th एग्जाम 15th अप्रैल के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन, 6 6 12। आइए, जनवरी में 5 एग्जाम में और 5 एग्जाम अप्रैल में, तो 10 एग्जाम में। तो स्कोर करें 10/24, टोटल 24 एग्जाम में से 10 एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारे पास डेटा हुआ। आइए, टोटल क्वेश्चन पूछे गए 720, क्योंकि टोटल 24 एग्जाम्स हुए थे, 24 × 13, 11th पोर्शन से 337 यूनिट वाइज ये डाटा दिया हुआ है, और 12th पोर्शन से 383 यूनिट वाइज डाटा दिया हुआ है। ये ऐप है, यहां से आप इसे टोटल को एक जगह देख सकते हैं डाउनलोड करके। आइए, तो इस तरह से हम लोग 18 नंबर यूनिट को हम लोग डिस्कस किए, स्टैट देखे जो चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग मिलेंगे स्टैट एनालिसिस में अगले यूनिट के, और क्वेश्चन एनालिसिस, सॉल्यूशन एनालिसिस,